चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल की छोटी बेटी रिंकी अब 40 साल की हो चुकी है। रिंकी का जन्म 27 जुलाई 1977 में हुआ था। रिंकी बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी है, अब अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय कर रही है। रिंकी खन्ना का नाम पहले रिंकल था, रिंकल और डिंपल से मिलता जुलता नाम रखना चाहते थे राजेश खन्ना, इसलिए छोटी बेटी का नाम रिंकल रख दिया। रिंकल के नाम से पीछे एक कहानी है। कपड़िया खानदान यानी डिंपल कपड़िया के घर में एक परंपरा थी जहां लड़कियों के नाम के पीछे एलआई होना चाहिए था। इसी वजह से रिंकल की मम्मी का नाम डिंपल, दीदी का नाम टिंकल और मौसी का नाम सिंपल और खुद का नाम रिंकल पड़ा। साल 1984 में डिंपल राजेश खन्ना से अलग हो गई। फिल्म मंजिल मंजिल की शूटिंग के दौरान सनी देओल से उनका रिश्ता जुड़ा। इसी दौरान मीडिया में खबर छपी के मुताबिक सनी देओल और डिंपल एक दूसरे के बहुत करीब हो चुके थे। कहा गया कि रिंकी और उनकी बहन टिंकल बॉलीवुड एक्टर सनी देओल को छोटे पापा कहती थी। उसी दौरान डिंपल और सनी की शादी की खबरें आई, लेकिन कभी भी डिंपल और सनी ने अपने रिश्ते को पब्लिकली नहीं स्वीकारा। राजेश खन्ना से जब डिंपल अलग हुई तो उन्होंने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए डिंपल ने कहा कि राजेश खन्ना दो बेटियों होने की वजह से खुश नहीं है। राजेश दूसरे बच्चे को बतौर बेटा चाहते थे। जब रिंकी ने बॉलीवुड में कदम रखा था तब महज 17 साल की थी। रिंकी खन्ना की पहली फिल्म 1999 में आई प्यार में कभी कभी थी, जिसमें उन्होंने खुशी का रोल निभाया था। इसके लिए उन्हें जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला था। रिंकी का बॉलीवुड करियर काफी छोटा रहा, मात्र 4 साल तक बॉलीवुड में एक्टिंग कर सकी। रिंकी ने इस 4 साल के करियर में 9 फिल्में में काम किए। ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि रिंकी साउथ की फिल्मों में भी काम कर चुकी है। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ जिस देश में गंगा रहती थी